जय हिंद दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन फिजिकल 2022 को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि अभी आप लोगों के असम राइफल के फिजिकल चल रहे हैं, फिजिकल ट्रेड्समैन के चल रहे हैं, तो फिजिकल के साथ ही बच्चों का ट्रेड टेस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह करवाया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो ऐसे में एसएसबी वाले बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर ड्राइवर का फिजिकल वगैरह कम्प्लीट हो चुका है, जबकि बाकी की जो ट्रेड हैं उनका फिजिकल कब तक होगा, क्या फिजिकल के साथ ही हमारा ट्रेड टेस्ट व डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिटर्न कब तक होगा, क्या रनिंग हमारी चिप लगा के करवाई जाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला जो रिक्रूटमेंट आप लोगों का एसएसबी का आया था, इससे पहले 18-19 के लगभग, तो उस रिक्रूटमेंट में बच्चों के चिप लगा के ही उनसे रनिंग करवाई गई थी। लेकिन अभी आपका 2022 में फिजिकल शुरू होने वाला है ट्रेड्समैन वाले बच्चों का, तो इसमें आपकी रनिंग वगैरह कैसे होगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के अभ्यर्थी है तो बच्चों आप लोगों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एसएसबी की तरफ से अब जल्दी आप लोगों का फिजिकल करवाया जाएगा, क्योंकि अभी एसएसजीडी वाले बच्चों का मेडिकल चल रहा है और लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी बिजी है, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी बिजी है दोस्तों मेडिकल को लेकर, और मेडिकल आप लोगों को पता है आज से ही शुरू हुआ है एसएसजीडी वाले बच्चों का और लगभग अक्टूबर तक चलेगा। तो दोस्तों अक्टूबर में आपका अक्टूबर के बाद में आप लोगों का फिजिकल है वो शुरू हो सकता है। फिजिकल की बात करते हैं दोस्तों कि रनिंग वगैरह कैसे होगी, क्या सभी का प्रोसेस एक साथ ही होगा, क्या असम राइफल की तरह एसएसबी भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट और रिटर्न एक साथ करवाएगा या आप लोगों को समय मिलेगा, बिल्कुल मैं पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बता देता हूं। उससे पहले छोटी सी जानकारी बता दूं, अगर आप असम राइफल का फिजिकल वगैरह देने जा रहे हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो असम राइफल की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है चक्षु पब्लिकेशन की। जी हां दोस्तों, यहां पर टेक्निकल और ट्रेड्समैन सभी के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, काफी अच्छी स्टडी गाइड है जिसमें 2100 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन और साथ ही 6 महीनों का आपको करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आपने असम राइफल का फॉर्म अप्लाई किया है तो इस बुक को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एसएसबी रिक्रूटमेंट को लेकर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ, एसएसबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका स्टेप बाय स्टेप होता है, असम राइफल की तरह एक साथ प्रोसेस नहीं करवाया जाता। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, पीटी और पीएचटी होता है, और पीटी और पीएचटी में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उन्हीं बच्चों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है और ट्रेड टेस्ट के साथ ही फिजिकल के समय ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है, आपका एक्सपीरियंस वगैरह वो फिजिकल के समय ही आप लोगों का चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट के लिए भी आप लोगों को समय मिलता है, यहाँ पे कुछ दिन बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है, एक साथ ट्रेड टेस्ट आपका नहीं करवाया जाता बच्चों। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी कम से कम 2 से लेकर 3 महीने का समय आपको आराम से मिल जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, रनिंग को लेकर बच्चों के डाउट्स थे, सर रनिंग चिप लगा के करवाई जाएगी या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम से जो चिप लगा के करवाई जाएगी, पिछली भर्ती में करवाई गई थी वैसे करवाएंगे या कैसे यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, तो आपकी जो रनिंग होगी दोस्तों वो इस बार चिप लगा के नहीं होगी, क्योंकि पिछली भर्ती में पहले ड्राइवर वाले बच्चों का फिजिकल हुआ था तो उनके भी चिप लगा के रनिंग हुई थी, लेकिन इस बार दोस्तों ड्राइवर वाले बच्चों का भी नॉर्मल फिजिकल करवाया गया था ग्राउंड में ही, तो यहाँ पर भी आपका जो रनिंग वगैरह होगा, क्योंकि चिप वाली रनिंग तब होती है जब आपका एक गोल राउंड होता है जिसमें 400 मीटर के आपके चक्कर होते हैं और यहाँ पर आपको 10 से 12 के लगभग चक्कर लगाने होते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये चिप आप लोगों की लगाई जाती है, लेकिन आपकी जो रनिंग होगी वो सड़क पर और लंबी आपकी रनिंग करवाई जाएगी, तो यहाँ पर आप लोगों की इस बार चिप है वो नहीं लगवाई जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि पिछली भर्ती में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से काफी ज्यादा अभ्यर्थी बाहर हुए थे, तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है, 1700 पदों का ये रिक्रूटमेंट है, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए आप तैयार हो जाइएगा। लगभग बात करें तो नवंबर तक आप लोगों का फिजिकल शुरू होने के पूरे पूरे चांसेज है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक आप लोगों का फिजिकल शुरू हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।